व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इनके नामों को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। अब व्यक्ति, व्यक्ति यानी देखिए पर्सन, कोई भी पर्सन, जैसे आप, मैं, मम्मी, पापा, हमारी मैम, ये हमारे सर, ये हमारा भाई, बहन, नाना, नानी, इन सभी के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे संज्ञा, नाम। यानी अगर आपकी मम्मी आपको आवाज लगाएगी तो भागकर कौन जाएगा? आप, ना कि आपका छोटा भाई या फिर आपकी बहन। ठीक है, तो यानी आपको एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं हम संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी वस्तु। वस्तु वो होती है जिसमें जान नहीं होती। अगर हमें उससे कोई काम लेना है तो उसे हमारे सपोर्ट की यानी सहायता की जरूरत होती है। जैसे सपोज हम घर पर बैठे हैं, ठीक है, और हमें लग रही है प्यास। अगर हम बच्चों, अगर हम अपने मम्मी से, मम्मी तो घर पे है ही नहीं, अब हम क्या करें, हमें प्यास लग रही है, हमने कहा आओ आओ गिलास, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो, तो क्या गिलास आपको पानी पिला देगा? नहीं पिला सकता। उसके लिए आपको खुद उठकर ग्लास के पास जाना पड़ेगा, ग्लास उठाएंगे, उसे फिल करेंगे, तब कहीं आप पानी पिएंगे। तो इट मीन्स उसे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ी ना, तो वो क्या है आपकी वस्तु। और वस्तु यही नहीं होती है, वस्तु बहुत सारी होती है, जैसे फूल हो गए, आपकी कुर्सी, मेज, फ्रिज, टीवी, कार, रेलगाड़ी, ये सब क्या है आपकी वस्तु। आपका बैग, पेंसिल बॉक्स, बुक्स, सब वस्तु है, क्योंकि उनसे वर्क करने या कराने के लिए आपको, अगर उनसे वर्क कराना है तो उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर बुक को निकालना होगा तो बुक खुद नहीं आएगी, आपको खुद निकालनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्थान। स्थान वो जगह जहां आप जाते हैं या जहां से कोई आपके घर आता है। जैसे आप लोग जब स्कूल आया करते थे तो कहां से आते थे? घर से। घर क्या है? एक स्थान। ओके बेटा, आप इस घर से आप कहां आते थे? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ? स्थान। आप गए घर पर, अब घर पे जाके मम्मी ने कहा कि जाओ जाओ पापा के पास शॉप पर चले जाओ। तो आपके पापा की शॉप क्या है? मार्केट में है। तो मार्केट क्या हुआ? स्थान। ओके, आज आपकी मम्मी ने कहा आज कुछ जल्दी से रेडी हो जाना, शाम को हम कहाँ चलेंगे? मंदिर। तो एक मंदिर क्या हुआ? स्थान। ओके, अब नेक्स्ट है आपके भाव। भाव वो चीज होती है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा हंस रहा है तो आपसे कहेगा नहीं कि मैं हंस रहा हूं, आपने उसे देख लिया, आपने महसूस करा वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो आपने उसे कैसे पहचाना? देखकर। अब दूसरी जगह बच्चा रो रहा है तो क्या आपको वो आकर बताएगा कि मैं रो रहा हूं? नहीं बताएगा। आपने कैसे महसूस किया ना, उसे देखा ना कि वो रो रहा है, तो इसी को कहते हैं हम भाव। ओके बेटा, समझ में आ गया सबके? ओके बेटा, बाय।